हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल कवर अवर टॉपिक टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ चैप्टर सिक्स टेम्परेट ग्रास लैंड एरियाज वेयर वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस यानी कि टेम्परेट ग्रास लैंड वो एरिया होता है जहाँ पे जो वेजिटेशन है यानी कि जो प्लांट्स हैं जो फाउंड होते हैं वहाँ पे वो ग्रासेस ही होती हैं बस द नॉर्थ टेम्परेट जोन इज फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन यानी कि जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्गेटिक सर्गिल के बीच में आती है इन द नॉर्दर्न हेमोस्फेयर और जो साउथ टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्किटिक सर्किल के बीच में आती है इन द साउदर्न हेमस्फेयर नाउ क्लाइमेट द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट यानी कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिसफेयर में जो टेम्परेड ग्रासलैंड है उन दोनों में जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है डिफरेंट होता है इन नॉर्दर्न हेमस्फेयर द ग्रासलैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट मोस्फेयर है उसमें जो ग्रास लैंड है वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल इंटीरियर में है यानी कि इन साइड द कॉन्टिनेंट है दीज एरियाज आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर यानी कि जो ग्रास लैंड है यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट समटाइम कभी कभी क्या होता है हॉट विंड कॉल्ड चिनू गर्म हवाएं जिन्हें चिनू बोलते हैं विच बिलो इन स्प्रिंग ओवर द्रेरीज जो कि स्प्रिंग सीजन में ओवर द प्रेरीज प्रेरीज टेम्परेट ग्रास लैंड का नेम है नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है उन्हें प्रेरीज बोलते हैं ओके okay? तो कभी कभी जो गर्म हवाएं प्रेरीज में चलती हैं ये क्या करती हैं ये बर्फ़ को पिघलाने में हेल्प करती हैं और मेक ग्रेजिंग पॉसिबल ग्रेजिंग मतलब जो चलते हैं तो उसको पॉसिबल बनाती है साउदर्न हेमोस्फेयर में जो टेम्परेट ग्रास लैंड जोन है इज लोकेटेड नियर द कोस्ट यानी कि वो बैंक यानी कि किनारे पर है जो ग्रास लैंड है ना समुद्र के किनारे पर ही है एज अ रिजल्ट द क्लाइमेट इज मॉडरेट यानी कि इसकी वजह से समुद्र के पास होने की वजह से इन ग्रास लैंड में जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है मॉडरेट होता है मॉडरेट मीन्स इट इज नीट अ वेरी हॉट नोर वेरी कोल्ड यानी कि ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंड होती है तो इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है यहाँ के वेजिटेशन की बात करते हैं वेजिटेशन आई टोल्ड यू दैट इट्स अ प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस वेजिटेशन वनस्पति जो है तो प्रेरीज हैव मोर रेनफॉल प्रेरीज यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उन्हें प्रेरीज बोल रहे हैं तो हे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्रेरीज हैव मोर रेनफॉल प्रेरीज में ज्यादा रेनफॉल होती है तो इस वजह से वहां की जो ग्रासीज है वो टॉल होती हैं और स्टेपीज में स्टेपीज यूरेशिया कॉन्टिनेंट के ग्रास लैंड को बोला जाता है यानी कि यूरेशिया यूरोपन एशिया कम्बाइनली कॉल्ड यूरेशिया तो जो स्टेपीज हैं वहां पर जो ग्रास है वो स्मॉल होती है बिकॉज वहां पर जो रेनफॉल है वो कम होती है द टेम्परेट ग्रास लैंड आर जनरली हैव एनी ट्री यानी कि जो टेम्परेट ग्रास लैंड है यहाँ पर मुश्किल से ही कोई ट्री होता है और कब अगर हमें वहां पे ट्री मिलता भी है तो कहाँ पर नियर द बॉडीज और या उन रीजन में उन क्षेत्र में मिलेगा जहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है ओके नाउ वाइल्ड लाइफ यानी कि वहां का वन्य जीवन कैसा है रोडेंट्स आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड क्रिएचर इन द ग्रास रोडेंट्स रोडेंट्स जो मतलब कॉमनली क्रिएचर यानी कि ज्यादातर रोडेंट्स ही पाए जाते हैं अदर एनिमल्स फाउंड हियर आर रैबिट माउस रेड और रोडेंट्स क्या होते हैं रोडेंट्स एक चूहे जैसा जानवर होता है जो कि ये सारे जो रोडेंट्स होते हैं हैमस्टर रैबिट ये सब क्या करते हैं ये कतरते हैं है ना ये अपने टीच से कतरते हैं तो इनको रोडेंट्स बोलते हैं लाइक like, रैट uh, की तरह होता है तो अदर एनिमल्स फाउंड हेयर आर रैबिट माउस रैट प्रेरी डॉग एंडस्टर ओके द ग्रास लैंड आर ऑल्सो होम टू ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि जो ग्रास लैंड है यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो चढ़ते हैं जानवर जैसे डियर है एंटीलॉप है एंटीलॉप इज ऑल्सो लाइक अ डियर स्मॉल डियर द वर्ल्ड रीजन आर नोन फॉर सेवरल वाइल्ड एनिमल्स वर्ल्ड रीजन का मतलब वर्ल्ड टेम्परेड ग्रास ग्रासलैंड का नेम है एफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में ओके okay? तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे लॉयन लेपर्ड जिराफ एंटीलॉप हिपोपोटामस चीता एंड एलिफेंट्स डाउन इन ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो टेम्परेट ग्रास ऑस्ट्रेलिया में है उनका नेम है डाउन्स आर होम टू कंगारू वेलाबीज एंड कोलाज वेलाबीज इज लाइक अ स्मॉल कंगारू एंड कोला एक छोटा भालू जैसा जानवर होता है तो ये सब पाए जाते हैं नाव ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ यानी कि जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी पहले इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तो वहाँ पे भी नॉर्मेटिक ट्राइब्स रहती थी तो सेम इसी तरह भी यहाँ पे ह्यूमन लाइफ टेम्परेट ग्रास है life, soil, कि यहाँ का जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है उपजाऊ है लार्ज एरियाज नाउ हैव बिन कन्वर्टेड इन टू बिग फार्मी की जो बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं उनको खेतों में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहाँ पे क्या बोलते हैं कॉर्न व्हीट बार्ले एंड अदर ग्रीन्स इन प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है कल्टीवेशन इज कैरीड आउट एक्सटेंसिवली इन अ मर्कनाइज फैशन यानी कि कल्टीवेशन वहाँ पे खेती होती है इन ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है यानी कि अन्न भंडार बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स तो इसको अन्न भंडार भी बोला जाता है दुनिया का ओके okay? बिसाइड एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक रियरिंग इज एन अम्पॉर्टेंट एक्टिविटी लाइव स्टॉक रियरिंग मतलब पशुपालन लोग यहाँ पे पशु पालते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है प्रेरीज में द काओ बॉयज़ लुक आफ्टर द कैटल इन फार्म्स यानी कि जो काव बॉयज़ होते हैं काव बॉयज मतलब जो जैसे कैटल है उनकी देख रेख करते हैं उन्हें काओ बॉयज़ बोलते हैं द काओ बॉयज़ लुक आफ्टर द कैटल इन फार्म्स कॉल्ड रेंचेज यानी कि जो काउ बॉयज फार्म में कैटल uh, का पशुओं का ध्यान रखते हैं उन्हें रेंचेस बोलते हैं रेंचेस मतलब जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं ना उनको दे आर कॉल्ड साउथ अमेरिका और इनको साउथ अमेरिकन यानी कि साउथ अमेरिका में काउ बॉयज को गऊचोज बोला जाता है इन ऑस्ट्रेलियन डाउन्स ऑस्ट्रेलियन डाउन्स अगेन आई एम टेलिंग ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रास है डाउन इज अ नेम वीट फार्मिंग एंड शीप रेंचिंग यानी कि वीट की खेती होती है और शीप रेंचिंग यानी कि शीपों को पाला जाता है आर प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन दैमपाज ऑफ अर्जेंटीना पेम्पाजेम्परेड ग्रासलैंड का नेम है अर्जेंटिना में कॉल्ड कैटल इज रेज एट फार्मिया कैटल मतलब कैटल इज रेज का मतलब यहाँ पे कैटल को इनक्रीज किया जाता है इनको इनकी जो जैसे पहले टू होंगे फिर थ्री हो जाएंगे है ना इंक्रीज करते हैं नंबर्स में इसलिए तो कैटल इज रेस्ड उनको बोलते हैं एस्टेंशियाज ये लार्ज कैटल फार्म भी बोल सकते हैं जो अमेरिका में है लार्ज कैटल फार्म इज नोन एज एस्टेंशियाज नाउ सम ग्रासलैंड ऑल्सो हैव ट्राइब्स हु लीड हुटिक लाइफ और कुछ ऐसी ग्रास लैंड हैं जहां पे ट्राइब्स uh, रहती हैं जो कि एक नॉमेटिक लाइफ स्पेंड करें नॉमेटिक बंजारा बोलते हैं ना जो वन प्लेस से another place move करते हैं तो वो अपनी एक नॉमेटिक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और और वो कौन सी है? वेल्ड और पीपल, हैं? हैं जो कि ये दो ट्राइब्स के नेम हैं दो जनजातियों के नेम हैं दीज पीपल हर्ड कैटल एंड शीप ये लोग क्या करते हैं झुंड में कैटल और शीप को पालते हैं और उन्हें चराते हैं आई होप चैप्टर सिक्स आपको समझ में आया होगा थैंक यू